3 बज गए और मैं इतना लेट घर आई। हे भगवान, ये भी सोने चले गए। मैंने बोला था मेरी थोड़ी हेल्प करवा देना ये सब उतरवाने में, अब मुझे सारे ज्वेलरीज उतारनी पड़ेगी, मेकअप उतारना पड़ेगा। सबसे बुरी बात तो यही है मेरी हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं। इसमें तो बहुत पेन होता है, तो मेरे कान इतना चिल्ला के रही हो, क्या हुआ? वो मेरे कान में बहुत पेन हो रहा है, नींद से उठा दिया मुझे। अब उठी गई हो तो मेरा ज्वेलरी उतारने में हेल्प कर दो। पागल हो गया, मैं पानी पी के सोने जा रही हूँ, मेरे बस की नहीं है ये सब। अरे हेल्प कर दो ना थोड़ी सी, तो बस ये कान का निकाल दो। इतनी हैवी ज्वेलरी पहन रही है, बड़ी अच्छी लग रही होगी। लाओ दीदी, आराम से। बहुत पेन होता है मेरे कान में ना, छोटे छोटे होल्स हैं। छोटी हिंसी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, आप कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो। अब मुंह बंद करना वरना मैं चली जाऊंगी सोने। हाँ। नींद खराब कर दी एक तो। अब आपने ये जान के किया है ना, ये ना हो नहीं रहा है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। जान के। दीदी आराम से, दीदी सच में बहुत तेज लग रहा है। दीदी दीदी बस निकल गया। अरे बस हो गया। ये लो, मेरे कान से खून तो नहीं आया। बस बहुत ओवर एक्टिंग। खून आ गया मेरे कान से। अंधेरे में दिख नहीं रहा, क्या आलता है वो? आलता लगाया था, अंधेरा लगा के पता नहीं क्या बन के गई थी। सारी ज्वेलरीज रख देती हूँ संभाल के। हाँ रखो। चलो हो गया ना आपका, मैं चलती हूँ सोने। अरे दीदी ये ज्वेलरीज तो निकाल दो, आपके भाई तो चले गए सोने के लिए, आप तो मेरी हेल्प कर दो। ये तो आप भी निकाल सकती हो। अरे मेरे बाल तो मत खींचो, आराम से बोलो, आपका काम है मेरा नहीं है। हर टाइम आप ही का होता है, आज मेरा है तो क्या हुआ। बड़बड़ाओ मत, काम करने दो मुझे। यानी कैसे बाल हैं, हटाओ ऐसे। बहुत आराम से दीदी, बहुत महंगी ज्वेलरीज हैं, लाखों की। बढ़िया ही लाखों की, लग तो मुझे बिल्कुल लोकल नहीं यार, ओरिजिनल ही लग रही है। दीदी दो और ज्वेलरीज भी उतारनी है आपको, ये भी है। क्या बन के गई थी आप, शादी में गई थी, क्या करने गई थी? पता है आपको, सब वहाँ पर मुझे ही देख रहे थे और मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे वाओ कितनी सुंदर लड़की है, सब मेरी तारीफ कर रहे थे। हाँ बेइज्जती कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। क्या मैं कह रही हूँ कि हंस तो नहीं रहते कोई आप पे। और पता है एक आंटी आई, कहती है आप तो बहुत स्लिम हो, शादी के बाद तो सारी लड़कियां मोटी हो जाती है, लेकिन आप तो इतनी स्लिम हो। बस और क्या उतारना है? इतना सारा गोल्ड पहना था वो भूल गई मैं। कमर बंद, ये कैसे भूल गई मैं, इसको भी उतार दो। खड़े हो, महारानी मत बनो, यहाँ बैठी हुई हो। अरे गुची ने अभी तक नहीं सोया, मेरे साथ सो रहा था, मैं जगी तो खुद भी जग गया। चलो खड़े हो जल्दी। गुची आप मेरे लिए उठे थे ना, कितना प्यारा। चलो मना कर रहा है वो, खड़े हो जल्दी। दीदी आराम से खोलना, बहुत महंगी ज्वेलरीज है। हाँ टेंशन मत लो। टेंशन देती है तो लूंगी नहीं, दोनों माँ बेटी बस टेंशन ही देती रहती हैं। दीदी पिंस खोल दो, साड़ी में बहुत सारी पिंस लगाई थी, वो जो आई थी ना साड़ी बांधने वाली, उसको ठीक से बांधनी नहीं आती थी, ये जूड़े का ये तो खोल दो। अच्छा साड़ी बांधने वाली आई थी, वही मैं सोचू इतनी अच्छी साड़ी आपने कैसे बांध दी। अरे देखो गुची हट, कुछ नहीं करेगा, मेरा ही खा लेता अभी ये लो। अरे मेरे बाल क्यों खोले? बाल नहीं खोले थे ना, खुद बांधो। और क्या है, पिन निकाल दो साड़ी की। पिन देखो मेरे गजरी में से कितनी खुशबू आ रही है, सुंगा पसीने की बदबू। वहां पर हर जगह एसी था, पसीने कहां से आ जाएंगे मेरे, पर यहाँ पर तो आ रहे हैं ना आपको। हाँ यहाँ पर तो एसी चला ही नहीं सकते, बिजली का बिल इतना है। आप मेरी साड़ी खोल दो, बहुत उपकार होगा आपका। कह रहे आपके, आपने इतने कर्ल क्यों करे हैं बाल? वो कल ना मैं एक ट्रांजिशन बनाऊंगी, इसलिए मैंने ना वॉश नहीं करे। 3 बज रहे हैं रात के, मेकअप कर सो रही थी। हाँ वो मैं आपके जीजू से बात कर रही थी ना, तो मैं चाहती थी मैं वीडियो कॉल पे बहुत सुंदर लगूं, इसलिए। पर आप तो कह रही थी आप सो रही थी, मैंने आवाज करी तभी आप जगी हो। हाँ तो मतलब सो रही, पहले वीडियो कॉल कर रही थी फिर सोई तो रही थी, तो वही तो मैं बोल रही हूँ मेकअप करके कौन सोता है। चलो उतार दो अच्छे से मेरी साड़ी। अरे ये देखो यहाँ पर भी पिन है, कितनी पिन लगाई है उसने। अच्छा है इस बहाने मुझे पिन से मिल गई, घर में एक भी पिन नहीं थी। एक और है ये लो, मैं तो वॉशरूम में ही नहीं जा पाई, इतनी पिंस लगाई थी। और इनकी बकवास। ये लो पीछे का भी ये निकाल दो पल्लू वाला, अब मेरे को हेयर वॉश करना पड़ेगा वरना तो मेरे बाल ही खराब हो जाएंगे। यार कितना पका रही है, मैं क्यों नजर रखने के लिए उठी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक और पिन, अरे किससे बनवा ली साड़ी, 1000 रुपए भी ले गई साड़ी बांधने के, बताओ। और इतनी बेकार साड़ी बांधी है, लगी रहा है बेकार लोगों की बेकार साड़ी। ठीक है आई थिंक हो गया, पिन को पल्लू में बांध रखा है, पिन बांधी हुई है। मैं तो लैश निकाल दूं। यार मैं तो लेट हो गई। दीदी जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई थी ना उसने छोड़ दी,
ये लो आप रख लो, आपके काम आएगी, कल ट्रांजिशन बनाओगे ना आप। रख दो इधर रख दो, मैं सारी पिंस भी ले लूंगी मेरे तो। हाँ आप ले लो, अब मैं चली सोने, बाय गुड नाइट। एक पिन और है, वापिस आओ वापिस आओ। ये पिने पिनों का भंडार लगा रखा है उसने, पता नहीं कैसी है। ओके बाय गुड नाइट। अरे सुनो तो भाभी, ये साड़ी अब आपने पहन ली है तो। हाँ आए, वो मुझे बुला रहे। अभी तक तो नहीं बुला रहे थे, पर कोई नहीं, सुबह ये साड़ी ले लूंगी, ट्रांजिशन इसी में बनाऊंगी। अरे गुची, गुची ने तो सही याद दिलाया, ज्वेलरीज सब ले लेती हूँ। थैंक यू गुची। साड़ी के चक्कर में ज्वेलरीज भूल गई, बढ़िया ही साड़ी ना देने वाली। आ गई ना सारी ज्वेलरीज मेरे हाथ में, वाह कम से कम 50 लाख की तो होंगी। हाँ? चल गुची सोते अब।